प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए भोपाल पहुंचकर लड़ाई लड़ने की बात कही। कमलनाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा, वह घोषणा करने में माहिर है, उन्हें खुद नहीं पता कि अभी तक वह कितनी घोषणाएं कर चुके हैं। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से मेरे छिंदवाड़ा जिले के किसानों की फसलें बर्बाद हुई, अभी तक कितना और किस स्तर का सर्वे हुआ यह भी ने देखा है। वर्ष 2020 में किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को आज तक सरकार नहीं दे पाई है। अब इस वर्ष हुए नुकसान का मुआवजा कब तक मिलेगा, कहां नहीं जा सकता। गांव का दौरा जहां नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से आज दौरा किया है। विभिन्न गांव में मैं गया, चना हुए, गेहूं हुए, कई कई जगह सब्जियां भी है। इसके सर्वे मैंने चेक किया, किस प्रकार से सर्वे हो रहा है। अब बात असली है मुआवजे की। 2020 का मुआवजा से किसान भाग रहे हैं, ये मुआवजा शिवराज सिंह जी तो रोज घोषणा करते हैं, तो घोषणा करने में कोई परहेज नहीं है, कुछ भी बुलवा लो उनसे। अब यहाँ की मैं जिम्मेदारी मेरी है, मेरा 40 साल से ज़्यादा संबंध है, ये सब बुजुर्ग गवाह हैं। ये क्या था यहाँ, हाँ जानते हैं, कोई सड़क नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, पानी नहीं था, मुझे याद है। तो इन बच्चों ने तो देखा नहीं वो समय, पर यहाँ की मुझे खुशी भी होती है, ये मेरे जो सब पुराने साथी हैं उनसे मिलकर अब मेरा प्रयास रहेगा कि भोपाल जाके उनका एक मुआवजा जल्द से जल्द।